कि उसके अंदर 20-16 टाइपर डला हुआ है। बादशाह अकबर बन के इसे डड्डू लोडर वाले रक्षे के अंदर बैठे हुए हैं। यार आजी साहब के लिए बड़ा शोर मचाया गया है। ओ गया उस्ताद। इस्लामाबाद शहर के बीच पाकविज 2023 ऑटो शो के लिए। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये जो पाकविज वालों ने शो से एक दिन पहले गाड़ियां वैनों पे खड़े करने वाले काम की शुरुआत की है, इसकी वजह से जो शहर के बाहर से लोग आ रहे हैं वो चंगे बलजील होते हैं, जैसे कि हम आए हैं। कल हम लाहौर से प्रवास करते हुए सीधा इस्लामाबाद वेन्यू पे पहुंचे हैं, और वहां पे पहुंचने के बाद उस तो आज ही हमने मोबाइल अपना कड्डा बाहर जाके ऑनलाइन होटल बुक करवाया। अब होटल तक जाना कैसे था, असली मसला ये था, हमने क्रीम कराई है, इन ड्राइवर कराया, ऊबर कराया, लेकिन उस तो आज ही रात के 12 बजे यहाँ पे किसी भी शिंदे का नामो निशान ही नहीं था। और हम अपनी गाड़ियाँ बाहर निकाल के होटल तक जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक दिन पहले आपने गाड़ियाँ वेन्यू पे खड़े करके जानी है। अनु देख लो जी, वखरा यहाँ पे लोंडेबाजी चल रही है। देखो जी, शेर किंग एंड अब्दुल्ला चिश्ती फॉर यू। यहाँ पे एयर सस्पेंशन की पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो रही है। दो कंप्रेसर वाली, सिंगल कंप्रेसर, बाकी बातें बाद में। तकरीबन हमको रात के 12 बजे एक घंटा गाड़ियों में बैठ के जलील होते रहे हैं। उसके बाद हमारे इस्लामाबाद के कुछ फ्रेंड्स थे, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे एयर सस्पेंशन के सुदागर अब्दुल्ला चिश्ती, उसके बाद हॉर्नी ऑफिसर और साहब निकाश भाई, इन्होंने उस्ताद जी आके हमें वेन्यू से रेस्क्यू किया और जाके हमें खाना खुना खिलाया, हमें रात को सोने के लिए एक छत प्रोवाइड की है। चलो उस्ताद जी, अब हमारे तो यहाँ पे दोस्त थे, हमारी बचत होगी। अब जिन लोगों के यहाँ पे उस्ताद जी को जाने वाला नहीं, जिसके दोस्त वगैरह नहीं है, वो तो चंगे भले उस्ताद जी सारी रात जलील होते रहेंगे, दर दर पे ठोकरे खाते रहेंगे। तो मेरी पाकविज बन से उस्ताद जी इल्तिजा है कि जो लोग दूसरे शहर से आ रहे हैं उनके लिए कम से कम टाइम की थोड़ी बहुत ऊंच नीच करें, उनको सुबह बुला लें, 6 बजे बुला लें अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि वो आके गाड़ी लगा के जाकर नाचने उछलने करें, इंजॉय करके बाद में शो पे आए और शो को भी इंजॉय करें। आइए बगैर किसी देर के जी पाकविज 2023 के अंदर एंट्री मारते हैं, और वहां पर जाके आपको मैं सोनी सोनी गाड़ियों के सोने सोने गेड़े कराता हूं। यहां पे हमने पाकविज ऑटो शो में एंट्री मार ली है, और यहां पे हमारे ताजी टोकर बताया जग में एंट्री मार चुके हैं। यहां पे फ्रेश आपको ड्रोन्स मार के चेक कराएंगे, और टैच ना वाजे ही जाके उस्ताद पीछे पीछे हो जाओ, सारे सारे लोग पीछे पीछे हो जाओ। चेक करें जी, 2 स्टॉपर डाला आ गया जी, किस लिए आया है? तो ये जो गाड़ी हमारी थड़े पे लगी हुई है इसको चुकने के लिए लेके आया है, इसलिए कहते हैं उल्टा तीर पीछे नहीं लेते। लेकिन ये 17 साल के, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते, अभी बच्चे हैं। ये देखें जी, एंज रिवर्स करके आएगी, एंज चुके उत्ते सुटेंगे एंज करके। नाजरीन जैसा आप चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे यंग रेंडर फुल टाइम कमांडो बने हुए हैं, और शहर की टूल जी को थले थले कर रहे हैं। यहाँ पे जो फॉयलोवर्स की चूड़ी है उसको सारा का सारा उस्ताद जी थले कर रहे हैं, ताकि हमारी फिटमेंट है। उस्ताद जी सोनी सोनी किसी का बने, उस्ताद जी कितनी देर लगेगी? क्विक सर्विस काम है, फुल क्विक सर्विस। पाकविज ऑटो शो के अंदर हमने एंट्री मार के अपने तमाम बशिंदों के साथ सोनी सोनी तस्वीरें खींच ली हैं। अभी मैं और शेर किंग जा रहे हैं जी पानी की तलाश में। हम यहाँ पे जी फुल टाइम थर्स्टी क्रो बने हुए हैं, वी सर्च हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि उस्ताद जी प्यास बहुत लग रही है, क्योंकि धूप यहाँ पे उस्ताद जी वाह हुई है। और तू कितने मामा ऑफ रोडिंग कर रहा है? आखिरकार बाई दी ग्रेस ऑफ अलमेटी यहाँ पे पानी सीब हो गया है। तो आइए गाड़ियों के गेड़ों का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नकाश पॉइंट की इस खूबसूरत गड्डी के साथ। उस्ताद जी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नकाश भाई की इस खूबसूरत 2000 गड्डी के साथ। दिल के ऊपर आए तो उसके अंदर 20-16 टाइपर डला हुआ है। आप इसकी खब्बी साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको लाल लाल रंग के अंदर रेडिएटर के पाइप नजर आते हैं। गियर के ऊपर आए तो उसके अंदर टाइपर वाला गेट डला हुआ है SAT LHD के साथ। गाड़ी के हेडर्स के ऊपर आए तो आप देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कस्टम मेड प्लेट बनाई हुई है। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आए तो इसको मैच ग्रिल लगी हुई। गाड़ी के थले आए तो आप देखते हैं इसको RS स्टाइल ABS प्लास्टिक वाली लिप लगी हुई है फॉगलेट्स के साथ। गाड़ी के रिम टायरों के सेटअप के ऊपर आए तो आपके ऊपर आके आजकल के फेवरेट रिम्स स्पून रेसिंग 15 इंच के बीच। गाड़ी की बैक के ऊपर है तो आपको ओरिजिनल RS टेल लाइट्स नजर आती हैं, साथ में खान क्रू लार्ज में फ्रंट की निशानदही करने वाली नंबर प्लेट। नीचे आए तो बैक वाले भी RS स्टाइल ABS प्लास्टिक में लिप लगी हुई है। थोड़ा और थले आए तो आपको यहाँ पे उस्ताद जी काबली वड्डा तूता नजर आता है। गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर आए तो नेक माहौल के बच्चियों इंटीरियर चेक करो, फुल खानदानी, स्टेयरिंग चेक करो, फुल खड़ पैच। गाड़ी के अंदर सारा का सारा VIRS वाला इंटीरियर डला हुआ है। तो उस्ताद जी नाल फ्री फ्रेश बिरयानी फ्रॉम पाकविज फॉर यू। VIRS वाला इसको ओरिजिनल सेंटर पैनल लगा हुआ है, नाल उस्ताद जी फ्रेश RS वाला मीटर फॉर यू। ये
नकाश पाइन की गड्डी के बाद आपको इसकी पुट्टी साइड पर खड़ी हुई इस खूबसूरत कैंडी रेड 2000 हैच का गेड़ा करवाओ तो सुधार ही। सबसे पहले ये चेक करो फ्रेश एलईडी टेल लाइट्स फॉर यू। थोड़ा जहा थले है तो यहाँ पे आपको बैक लिप नजर आते थे, उधर थले वड्डा जहा तूता फॉर यू। गाड़ी के रिम्स के ऊपर आए तो सुधार जी उन्होंने बड़ा ही सोना किस्म का इसको गोल्ड क्रोम के अंदर रिम ठोका हुआ है 16 इंच के बीच। तो फिटमेंट चेक करो सुधार जी, मैं कहता क्या बात है बोनस की। सेंटर में आपको यहाँ पे इसकी ओरिजिनल साइड स्कर्ट्स नजर आती है। आपको फ्रंट फिटमेंट का गेड़ा कराते सुधार जी, फ्रंट पर यहाँ पे बहुत ही टैड किस्म की फिटमेंट इन्होंने की हुई है। फ्रंट के ऊपर उन्होंने टक इन फिटमेंट की हुई है और आप देखते हैं सुधार जी इनकी जुगाड़ी है जमीन के साथ फुल टाइम जी चुमिया शुमिया कर रही है। उसके बाद गाड़ी के दिल के ऊपर आए तो सुधार जी इसके अंदर D16 सिंगल वीटेक डलर वेट टकटक वायरिंग के साथ। उसके बाद आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक ब्लू रंग की होंडा ईएस का गेड़ा करवाऊं तो सुधार जी सबसे पहले आप चेक करते हैं इसके थोपड़े के ऊपर मैच ग्रिल लगी हुई है। मैच ग्रिल के थले इसको फैबर की लिप लगी हुई है। गाड़ी के रिम टायरों के सेटअप के ऊपर आए तो सुधार जी इसको 17 इंच के अंदर मिड रिम लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ भाई एक बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि इमेजिन ऑल पीपल लिविंग इन पीस उस्ताद जी एंज कदे भी नहीं होना सिकल लाइफ स्टाइल ओनली। टायरों के प्रोफाइल के ऊपर आए तो उस्ताद जी इसको 205/40/17 के प्रोफाइल लगे हुए। गाड़ी की बैक का वो गेड़ा कराऊं तो सबसे पहले आप देखते हैं इसको बैक के ऊपर डक्ट स्पॉइलर लगा हुआ है। नीचे यहाँ पे आपको क्लियर टेल लाइट्स नजर आती है, थले आपको लिप नजर आती है और सामने थर्ड ब्रेक लैंप नजर आता है। यहाँ पे सजी साइड पे आपको उस्ताद जी एक तूता नजर आता है और गाड़ी की बैक स्क्रीन के ऊपर उस्ताद जी यहाँ पे आपको गुड वाइब्स एंड बैड हैबिट्स नजर आती हैं। आपको नीले साहब के काले भरा का गेड़ा कराऊं तो उस्ताद जी आप चेक कर सकते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट लिप से ही शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं आपको खब्बी साइड पे भी सेम लिप नजर आती है और सजी साइड पे भी सेम लिप नजर आती है। गाड़ी के रिम्स के ऊपर आए तो इसको 17 इंच के अंदर वर्क इमोशन रिम्स लगे हुए 205/45/17 प्रोफाइल के साथ। उसके अलावा ये जो रिम्स हैं ये स्टैगर्ड सेटअप है, जो फ्रंट वाले रिम्स हैं वो 8JJ है और जो बैक वाले हैं वो डीप डिश 9JJ वाले हैं। गाड़ी के नीचे कमांडो डाइव मारे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ASR बीक्स प्लस सब फ्रेम भी नजर आएगा। उसके बाद आप लोगों को इस मजेदार K70 का गेड़ा कराऊं तो इसका इंजन बे देख कैसे लगता है जैसे बीच में दो कनाल का वेला प्लाट छोड़ दिए। सबसे पहले आप ये देखें जी आपने घबराना नहीं है, इसी के साथ तो उस्ताद जी जिंदगी बसर कर रहे हैं अभी तक। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर इन्होंने कस्टम मेड लिप बनवाई हुई है जो कि ओल्ड स्कूल गाड़ियों के ऊपर बड़ी सोनी किस्म की लगती है। उसके बाद इसके फेंडर के ऊपर आए तो आप चेक करते हैं इन्होंने यहाँ पे झंडा बनाया हुआ है लेकिन पाकिस्तान का नहीं। उसके अलावा सारे के सारे इन्होंने फेंडर व्हाइट बॉडी किए हुए हैं और बीच में इन्होंने 15 इंच के अंदर बटाना भी रिम्स इंस्टॉल किए हुए हैं। ए वेखो उस्ताद जी हर जगह शोर शराबा हो रहा है, लोग इस दुनिया की रंगीन महफिल में खो के रह गए, सारा कुछ छाड़ दिया सारे आओ उस्ताद जी दीन की तरफ। ए चेक करो जी फ्रेश TLP फॉर यू। आप लोगों को इस खूबसूरत काला शकाकु रंग वाली रिवर्स SI का गेड़ा करा तो उस्ताद जी ए चेक करो इसके अंदर लगी हुई है जी फ्रेश फुसफुस वाली एयर सस्पेंशन थार जो एक थले जाती है इंच करके कदी उत्ते जाती है इंच करके। उसके बाद गाड़ी के पीछे जाए तो उधर भी यही हिसाब किताब है कदी थले ते कदी उत्ते। उसके अलावा भाई ने ऊपर लोहे के गुलाब जामन वाला स्टिकर लगाया हुआ है। फ्रेश स्टील बॉल्स फॉर यू। आपको गाड़ी की बैक का गेड़ा करवाओ तो इन्होंने जो बैक है उसको भी SI में कन्वर्ट किया हुआ है। इसकी जो SI वाली लाइट्स होती है आपके भरा को बड़ी पसंद है। उसके अलावा ये देखे जी मलिक साहब ने यहाँ पे कोई 3 इंच का वड्डा तूता भी बाहर कड़ा हुआ है नाल उस्ताद जी चिट्टे रंग का दिल फॉर यू। सो उस्ताद जी क्या कहना चाहोगे? हमारे नीरो साहब को चेक करें यहाँ फुल टाइम जी बादशाह अकबर बन के इस डड्डू लोडर वाले रिक्शे के अंदर बैठे हुए फ्रंट वाले भाई तो उस्ताद जी फुल पक्के हो गए, कह रहे हैं बस मुझे चाबी ला दो मैं यहाँ से चला जाऊँ। आप देख सकते हैं उस्ताद जी यहाँ पे फुल टाइम टूटी फ्रूटी काम है। फ्रंट के ऊपर लोडर मोटरसाइकिल लगी हुई है और पीछे पूरी की पूरी डड्डू गाड़ी लगी हुई है। साहब में भाई ने यहाँ पे वोजन के रिम भी ठोके हुए हैं 215/50/17 प्रोफाइल के साथ। उस्ताद जी फुल टाइम बिग वैरायटी फॉर यू। साहब ने मैरून रंग का कलर कराया हुआ है इसके ऊपर जो कि बड़ा सोना सोना किस्म का लग रहा है। पीछे से आप देखें तो उस्ताद जी आप किसी एंगल से कह नहीं सकते कि इसके आगे लोडर रिक्शा बना हुआ है जब तक आप बैक वाली स्क्रीन से आगे की तरफ झांकी नहीं मारते। इंटीरियर की जगह इन्होंने हर थान निंजा बर्फी कोशिश कराई हुई है सीटों के ऊपर साइडों के ऊपर और छत के ऊपर भी। यार राजी साहब के लिए बड़ा शोर मचाया गया है। आप लोगों को
इस ब्राउन मंडे एफएक्स का गेड़ा कराऊं तो उस्ताद जी सबसे पहले आप देखते हैं, इन्होंने इस गाड़ी की आंखों के बीच एलईडी हेडलाइट्स लगाई हुई जो कि आपको सज्जे खब्बे के इशारे करा रही हैं। उसके अलावा सेंटर पे देखें तो इन्होंने कस्टम मेड फ्रंट ग्रिल बनाई हुई है इसकी। गाड़ी के इंजन के ऊपर आए तो इसके अंदर 660 सीसी टर्बो चार्ज इंजन डला हुआ जिड़ा 6 भी करता है। चेक करो जी खड़पैन जी है टर्बो फॉर यू। गाड़ी की बॉडी के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने फेंडर्स को व्हाइट बॉडी बनाया हुआ है और साथ में इन्होंने बीच में 13 इंच के अंदर डीप डी स्ट्रीम्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं। साइड पे आप देखें तो उस्ताद जी यहाँ पे आपको कस्टम मेड साइड स्कर्ट्स नजर आती हैं, इतने नीचे लालो लाल रंग दी है अंडर ग्लो लाइट्स फॉर यू। पीछे यहाँ पे आपको गोल्डन रंग के अंदर लोमड़ नजर आती है और गाड़ी की बैक पे चौधरी साहब फुल टाइम जी चपके मारते हुए। ये चेक करो उस्ताद जी हमारे फ्रेंड शरियार साहब की टोयोटा क्राउन गड्डी डार्क ब्लू रंग दे विच भाई अमीर इंसान है भाई ने अंदर उस्ताद जी एयर सस्पेंशन ठोक दी और उस्ताद जी फिटमेंट चेक करो तुसी फुल टाइम जी टैड फिटमेंट फॉर यू। ये देखो उस्ताद जी यहाँ पे लगता है नौमी चौधरी उस मोरी गैंग के साथ जी फुल टाइम केले सीन चल गए हैं। वींगियाँ लता पुलिस मुकाबले फॉर यू फ्रेश दानी किंग फॉर यू। उस्ताद जी कैमरा चेक करें आप इस गाड़ी का फुल टाइम जी अन्ने वाह कैमर किया है इन्होंने। ये चेक करो उस्ताद जी यहाँ पे हमारे फ्रेंड रियान तनवीर का मार्क और फुल टाइम जी जिनका बचा लग रहा है सामने उन्होंने साबित लोहे वाला बम्पर लगा लिया कि अगर किसी के अंदर फिट हो तो अगले बंदे की गाड़ी साथ में आसमान पे जाके जिंदा हो। उसके अलावा ये चेक करो जी फुल टाइम जी लंबा किस्म का काले रंग का डंडा फॉर यू जो कि फुल टाइम ऊपर तक जाता है और फुल टाइम थल्ले भी आता है। गाड़ी के रिम टायरों के सेटअप के ऊपर आए तो उस्ताद जी मैं कहता सीधा कहता नहीं पा दे मैं कह लो जी अनी पैगी 20 इंच के अंदर ये रिम्स हैं और साथ में इन्होंने गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट सस्पेंशन भी ठोकी हुई। ये देखो जी लालो लाल रंग दे स्प्रिंग फॉर यू उत्ते उस्ताद जी चपके मारन वाली लाइटा फॉर यू। ये आ गई जी हमारे फ्रेंड उमैर नजीर की जमीन नाल चुमियां करने वाली फ्रेश ईएफ फॉर यू। गाड़ी के अंदर इन्होंने D17 इंजन ठोका हुआ साथ में उस्ताद जी सारा का सारा जो इंजन भी है इन्होंने उस्ताद जी शेर शूफ कराया हुआ जितने भी एक्सट्रीएम हो रही है छोड़ी थी सारी की सारी इन्होंने बंद करवा दी विद फ्रेश टक टक वायरिंग फॉर यू। गाड़ी के रिम्स के ऊपर आए तो उन्होंने 15 इंच के अंदर 9 जीजे रिम्स ठोके हुए उस्ताद जी फिटमेंट बड़ी ही टाइट किस्म की हुई है। आप कह सकते हैं एक किस्म के फेंडर टू लिफ्ट फिटमेंट की हुई है ऊपर गाड़ी का फेंडर थले रिम दी लिफ्ट फॉर यू। उसके अलावा यहाँ पे भाई ने गोलों के ऊपर चाइनीज में तुलो लिपुल लिखी हुई है जिसका मतलब मुझे खुद को नहीं आता। ये चेक करें जी आप क्या कहना चाहेंगे नहीं बचना अस्पताल ले जाओ के जो फ्रंट वाला कुंडा है वो यहाँ से विंग है उसके अलावा यहाँ पे इसके बूस्ट पाइप भी आता है तो अब हम उस्ताद जी गाड़ी को यहाँ से करेंगे पुठा और पुठी गाड़ी को उस्ताद जी आएंगे। यहाँ पे नौमी चौधरी और मोरी गैंग को नो मैच भर गया यहाँ पे इंटरकूलर को स्क्रैप किया जा रहा है। भाई आप क्या कहना चाहेंगे किला चल गया यहाँ पे सात दर्जन केले चल गए ये देखे जी डेड ड्रॉप गाड़ी स्टार्ट तो है ना ब्रो क्या कहा आपने आपने क्या कहा कुछ कुछ ने नई जॉब लाभ ली ये देखिए ये आज से ट्रकों की रेस दबाएगा आज से ये देखो जी हो गया ही फ्रेश 35-40 हजार था टिक्का फॉर यू हो गया ही उस्ताद बाय बाय दी एंड। तो आज ही हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद के केड़ा पैड सी डोरी पैड मैं डोरीमोन पैड समझी जाता आपका और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एयर सस्पेंशन के सुधागर अब्दुल्ला चिश्ती और ये अपने उस्ताद जी ग्रैंडी यहाँ पे घुमाने लगे हैं। उस्ताद जी अब्दुल्ला चिश्ती ऑन फायर ओहो कोई माफी नहीं Yeah.
उस्ताद जी आके भरा को यहाँ पे बड़ा बाजा फड़ा दिया है। और यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला चिश्ती मदाने जंग दर एंट्री मार चुके हैं, अब इनकी मैं घूमी घूमी आपको चेक करवाऊंगा। यहाँ पे अति वैश्य हो गए, आप चेक कर सकते हैं दूरी यार के साथ। आज इतने बड़ा सिस्टम चल गया, पिछले टायर के नीचे डिश फसाई को ले आली और उस आज यहाँ फुल टाइम ड्रोन्स मार रही है। आज इधर भी वही लेकिन बड़ा सिस्टम चल रहा है, देखो जी देखो राखी अनिल लास्ट टाइम ये चेक कर ली गाड़ी लास्ट टाइम और साथ में और आ गई क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन ये आप टायरों की अस्थियां देख सकते हैं, इतने भी उतने भी उतने भी। ताजी यहाँ पे लगता कोई है निजाम चल गया है भाई, कोई ऐसी चीज दिखाना चाह रहे हैं जो कि मैं पहले नहीं देखी। ये देखे जी मैं तो होंडा ही लैसा जब आके पास ये वो हो, लेकिन आप होंडा के उस्ताद जी बड़े फैन हो, क्या बात है जी। बोनस की जो नाल एस भाई नमस्कार जी, एक बार फिर जिस चीज साहब यहाँ पे वैसे हो गया है, खैर ओए क्या बात है जी। बाई द ग्रेस ऑफ अलमाइटी आपका भरा पहुंच चुके जी सही सलामत वापस लाहौर। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि उस्ताद जी आईएसबी बॉयज ने फुल टाइम अनी डाल के रख दी थी, इतना मजा मैं पार्क में ऑटो शो पर नहीं आया जितना उनके वो डोरीमोन पैड के ऊपर आया। लोगों ने अखीर किस्म की उस्ताद जी गाड़ियां घुमाइया, अखीर किस्म का शो लगा है। आईएसबी बॉयज के लिए सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि उस्ताद जी कम चुक के रखो। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।